सर मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर आप लोगों की वजह से, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे। शर्माया प्रणाम सर। ओहो झुको मत झुकने का जमाना चला गया। इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही की आवाज आ रहा है, मजबूरी हो रही है और इससे मैंने लाखों में बातें कर। सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते हैं? नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी, आज वो स्थिति थी जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और बीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मास्क लॉकडाउन में मैंने मास्क भी बनाए थे जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर, उससे मैंने अपने बीओ को कुछ दिया और कुछ अपने पास में रखा। और सर मैंने ये क्या कहते हैं ड्रेस बच्चों की मैंने 7 स्कूल की मैंने सिली थी जिसका मुझे 1,10,000 रुपये मिला था सर, और इससे मैंने जी सर सर ये मैं जूट से उत्पादन करवाती हूँ महिलाओं के द्वारा, यूपिका से मुझे लेते हैं। हाँ जी सर, घड़ियाँ बनवाते हैं सर। ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये है। कितने समय में बनता है सर? ये 1 दिन में बन जाता है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे, जी हाँ, और राशन कार्ड मिला मेरे को और 2 बारी राशन मिलता है मेरे को फ्री का, और लाइट हो गई है, उज्ज्वला गैस हो गई है, सारी सुविधाएं मेरे को मिलती है। नए मकान में रहते हैं? नए मकान में रहते हैं सर, करीब 1 साल हो गए सर। अच्छा बना है? अच्छा बना ली सर जी, आपका तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आ रहे हैं। नहीं नहीं सर जी, ऐसे कुछ नहीं, खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो मुझे आपने इतना। पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग परेशानी होती थी, मतलब की अब 3 दिन से सोते तो कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर, अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर। जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा, मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी 2 बेटियों को लेकर के, हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर आप लोगों की वजह से, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर, बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बात सर। ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था, मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था, आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती हूँ जो मेरे मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी-छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं और 10-20 लोग के हम सिखाते भी हैं। हम यही सोच रहे हैं कि बड़ा अब अवसर करें आपके जो राशन मिला लॉकडाउन में सबको, गरीबों का सबकी कृपा है। आप लोग सब लोग विजयनगर से आप लोग का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मैं स्वनिधि योजना की तरफ से हूँ, मैंने भी मेरे पास भी कोई काम नहीं था लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने मुझे पैसे मिले थे लॉकडाउन में, मेरा इशू हुआ था लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वहाँ से मिला था, तब मैंने अपने मार्क्स बनाने शुरू किए थे। मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने 12th किया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। बिजनेस के लिए जब आपका स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम थे तो मुझे वहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिला, तो मैंने जब पता किया तो मुझे इस योजना के अंतर्गत मुझे मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? सर अभी 6 लोग हमारे पास काम करते हैं, और जो जॉब वर्क में हम लोग देते हैं तो करीबन 10-12 लोग जॉब वर्क में रहते हैं, तो 15-16 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपये के लोन की प्राप्ति हुई, और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10-12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं।
एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था तो आपने? नहीं सर कुछ नहीं था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला, उससे मैंने खुद से अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में, बाई चांस मेरे स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है कैसे कुकिंग करनी है, और बहुत अच्छे से सर। सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है, और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो झुको मत झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब वो काम नहीं सर लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है, तो पहले दिन से ही मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था बूहो हनुमानों के नाम से, और सर ODOP के अंतर्गत में मुझे 30 लाख का लोन मिला था। सर समझिए कोविड में उस लोन ने मेरे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मुझे लाभान्वित हुआ हूँ। 15 लाख का लोन लिया था सर, उसमें मुझे जो 25% सब्सिडी मिली थी, अब सर उसको इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही की आवेद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है। चलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया और उसका परिणाम ही आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।